अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। क्या आप जानते हैं कि आपके FATO एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं? तो आपके FATO एग्ज़ाम्स कब से स्टार्ट होने वाले हैं? फ़रवरी 7 से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्ज़ाम कौन सा रहता है आपका? फ़रवरी 7 को इंग्लिश और उर्दू दो एग्ज़ाम्स रहते हैं, आपको मालूम है ना। तो अब सबसे पहले उर्दू एग्ज़ाम रहता, उससे पहले आपको क्या करना रहता? रिविज़न करना रहता। रिविज़न कौन सा रिविज़न? FATO का रिविज़न करना रहता। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि रिवीजन में क्या करना है, एग्ज़ाम कैसा लिखना है। तो मैं आज आपको एग्ज़ाम किस तरीके से रिवीजन की प्रैक्टिस कराऊंगी इस कमरे जमात में। सबसे पहले आपकी नोटबुक ओपन करो और उसमें पेपर फोल्ड करके FATO रिवीजन बोल के लिखना है। पेपर फोल्ड करना है, इस तरीके से फोल्ड करना है। पेपर के पीछे क्या लिखना है? FATO रिवीजन बोल के लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? FATO रिवीजन बल के लिखेंगे। उसके बाद डेट डालेंगे। उसके बाद जो बीट्स मैं बता रही हूँ आप लोगों को उस पेपर पर लिखेंगे। ठीक है, नीट लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का रहता? 20 मार्क्स का रहता। तो आज हम 4 बीट्स रहते, तो उसमें से फर्स्ट बीट और सेकेंड बीट आज हम इस कमरे जमात में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट बिट है मंदरजा ज़ैल अल्फाज की वाहिद लिखिए। वाहिद किसको बोलते हैं? सबसे पहले जो एक चीज़ रहती उसको क्या बोलते हैं? वाहिद बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है? रातें। रातें क्या है? जमा है। तो उसका वाहिद अल्फाज क्या आ जाता? रात आ जाता। क्या होता? रात। रोशनियाँ। रोशनियाँ क्या है? जमा है। उसके वाहिद क्या था? रोशनी। अतराफ, तरफ। अशखास। अशखास क्या है? जमा है। उसके वाहिद क्या था? शख्स। इकदाम। इकदाम क्या है? जमा में है। तो उसका वाहिद क्या आ जाता? कदम। ठीक है, फर्स्ट बिट में क्या करना है आप लोगों को? यहाँ पर जमा अल्फाज दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है? वाहिद अल्फाज लिखना रहता। ठीक है, समझ में आया? फर्स्ट बिट। सेकेंड बिट देखिए, सही लफ्ज़ के सामने, सही और गलत लफ्ज़ के सामने क्या करना रहता आप लोगों को? गलत का निशान लगाना रहता। रात। अब बोलिए, रात सही है या गलत है? गलत है। किस लिए गलत है? क्योंकि अलिफ्रा तो है यहाँ पर, तो की जगह क्या आना? ते आना। तो अब वो सही हुआ, गलत हुआ? गलत हुआ। तो यहाँ पर इसलिए क्या करें? यहाँ पर गलत का निशान लगाएं। चांद। चांद सही है, इसलिए सही का निशान लगाएं। तरफ सही है। रोशनी सही है। सूरज सही है, इसलिए यहाँ पर सही का निशान लगाया गया है। आप लोगों को भी यहाँ पर सही और गलत का निशान लगाना रहता। यहाँ पर वाहिद जमा यानी जमा के अल्फाज दिए जाते हैं, तो आप लोग वाहिद लिखना रहता। फर्स्ट तो आपका ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का फर्स्ट और सेकंड बिट थी। किसके लिए? थर्ड क्लास वालों के लिए फर्स्ट और सेकंड बिट थी। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड और फोर्थ बिट का मुतालिया करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपका समझ में आया होगा। ये आपका होमवर्क है, नीटली 1 टाइम लिख कर सेंड करना है। जज़ाकल्लाह खैर।